नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डी ट्रिपल एस बी का पेपर है, सॉल्व करेंगे, रीजनिंग सेक्शन है उसमें। कब का पेपर हुआ था? 7/10/2018 में पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट का हुआ था। कौन से शिफ्टिंग का टाइम था? सेकंड शिफ्ट का, ठीक है ना, सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले क्या कह रहा है? कह रहा है कि सभी पेड़ जानवर हैं, सभी पेड़। तो भाई सभी पेड़ जानवर हैं, तो 100 और 50 का इसमें नंबरिंग कर देंगे। सैलोलिज्म टॉपिक है, एक बार आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सभी जानवर पुष्प हैं, 50 का। देखो ये 100 50, तो पुष्प कितना है? सभी पेड़, तो ये वाला है। इसको हम देखते हैं, या तो तुम्हें आप सबको एक समझाने की कोशिश करता हूँ मैं वेन डायग्राम से, शायद उसको कनेक्ट कर पाऊँ। पहले इससे 150 वाले में कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मुझे करवाना है। तो लो भाई, कोई अच्छा सा कलर लेता हूँ मैं। देखो भाई, सभी जानवर सभी पेड़ जानवर हैं, ठीक है ना। ऑल ट्रीज आर एनिमल में जानवर पेड़ प्लांट है, ठीक है ना। एनिमल है और सभी एनिमल है, उसमें एक प्लांट है। इसको एक मिनट, इसको प्लांट है, हाँ प्लांट है। और सभी जानवर पुष्प हैं, सभी जानवर क्या हैं? पुष्प हैं, एनिमल। यहाँ पे फ्लावर भी आ गया अलग, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है? इसमें बता रहा है कि सभी पेड़ पुष्प हैं। तो ये तो वही पहला ऑप्शन ठीक हो रहा है, लेकिन कुछ जानवर पेड़ नहीं है, ये वाला गलत है। तो इसमें क्या कर रहा है? कौन से का अनुसरण कर रहा है भाई? केवल एक ही कथन का अनुसरण कर रहा है। कौन से कथन का अनुसरण कर रहा है? सिर्फ पहले कथन का अनुसरण कर रहा है। दूसरे वाले में आ जाओ भाई, दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि नंबर गायब हो गए हैं, ठीक है। जैसे ये था 0.6 और फिर 0.9, ठीक है ना, फिर 0.6, 0.9, डबल पॉइंट, 0.06, 0.009। तो यहाँ पे 000 है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? 0.000। अब 000 की बारी आई और यहाँ पे 6, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? यदि जनवरी का महीना है, फर्स्ट जैन को संडे है, और फर्स्ट जैन को क्या है? संडे है। तो उसी वर्ष फरवरी में पहली तारीख क्या होगी? उसी वर्ष की पहली तारीख। अब देखो भाई, सबसे पहले जनवरी में देख लो कितने महीने होते हैं। जनवरी में होते हैं 21 दिन। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 7 से डिवाइड करो, क्योंकि 7 एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो ठीक है भाई। तो कितना रिमाइंडर आएगा? 28 जाएगा, 4 बार जाएगा, और बचेगा रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर बच गया 3। रिमाइंडर कितना हो गया? 3। तो भाई अब फिर साइकिल स्टार्ट होता है वहां से, तो 1 3 3 होते ना। फिर यहाँ पे संडे ये होगा कितनी तारीख को? 29 तारीख को, ये 30 तारीख को, और ये 31 तारीख को। संडे, मंडे, ट्यूजडे, और उसके बाद हो जाएगा 1 तारीख को क्या हो जाएगा? 1 फरवरी को। ये तो 31 जनवरी था, 1 फरवरी को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे को क्या होगा? बुधवार होगा। ये वाला समझ में आया? नेक्स्ट वाले में आ जाओ भाई। नेक्स्ट वाले में है वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बहुत आसान है। वेन डायग्राम का जब क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत आसान है, इसको समझ सकते हो, क्वेश्चन में ही देख सकते हो कि भाई क्या कह रहा है। चिकित्सा के छात्र, चिकित्सा मतलब डॉक्टरी करने वाले, इंजीनियरिंग के छात्र और पुरुष। भाई सबसे पहले पुरुष ले लो, ये पूरा पुरुष
जाती है। इसमें कुछ इंजीनियर होंगे, यहाँ तक भाई ये पुरुष होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ महिलाएं भी होंगे, तो ऐसे ही बनेगा फिगर। तो ऐसा कौन सा फिगर है? पहला फिगर है, पहला फिगर है, पहला कौन सा है फिगर? पहला ऑप्शन है। टिक करो और आगे बढ़ो, टिक करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। बाकी और सब कोई सभी मैच नहीं करता है। आ जाओ भाई, इसमें करें नीचे दिए गए शब्द में से विषम का पता लगाएं। विषम कौन सा है? अब देखो, इक्का है, हुकुम का पत्ता है, बादशाह है, ये सब किस में आते हैं? ताश के पत्ते में। किस में? ताश, ताश के पत्ते, पत्तों में आते हैं, ठीक है ना, ताश के पत्तों में आते हैं। और रैमी क्या है? एक गेम है, ठीक है ना, ये इसमें नहीं आता, ताश का ही गेम है। अब देखो भाई, कोडिंग दे रखा है, यदि 12 प्लस 6 कितना है? 72 है, 12 प्लस 6, तो इसमें क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 प्लस 6 72। और 7 प्लस 3 कितना होता है? वैसे 10 होता है, लेकिन यहाँ 21 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या प्रोडक्ट हो रहा है? तो 16 गुना 6 कितना होगा? 16 छक्के 96 कौन सा है? ये वाला ऑप्शन हो गया। आ जाओ भाई, ये बेहतर क्वेश्चन है। अंबू की उम्र प्रेण की उम्र से दोगुनी है। अंबू सबसे पहले लिखूंगा मैं, अंबू, अंबू और प्रणेश। अगर अंबू की उम्र एक है तो प्रणेश की उम्र कितनी है? दोगुनी है भाई। ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट, ठीक है भाई। तीन साल पहले मतलब तीन साल इससे, ये प्रेजेंट है तो तीन साल घटा दो इसमें से, तीन साल भाई बाद में, मैं पहले, बाद में तो फ्यूचर हो जाएगा, तीन साल पास्ट में जाओ। तो इसकी एज क्या कह रहा है? तीन साल पहले उसकी उम्र, किसकी उम्र? अंबू की उम्र प्रणेश की उम्र से तीन गुने, एक और यहाँ पे तीन है। अब एक बात बताओ, इसमें रेशियो में देखो, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ तीन है, यहाँ दो है, तो भाई कितने की गैपिंग हो रही है? गैपिंग कितने की? यहाँ से यहाँ तक दो की गैपिंग हो रही है, यहाँ से यहाँ तक एक की गैपिंग। तो जो यहाँ पे दो की गैपिंग हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट कर लो दो से। लेट मी चेंज कलर, चेंज करता हूँ कलर को और फिर समझाता हूँ, तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ कितने की गैपिंग हुई है? दो, तो दो से यहाँ पे प्रोडक्ट करो, दो से यहाँ पे। यहाँ कितने की गैपिंग हो रही है? वन से, तो उसको वन से कर लो या उतना ही रहने दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा? वन, और यहाँ कितना हो जाएगा प्रोडक्ट होने के बाद? थ्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा? टू। यहाँ प्रोडक्ट होने के बाद कितना हो जाएगा? फोर। तो एक बढ़ रहा है, एक से दो हो रहा है, तीन से चार हो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है ना, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक आने में दोनों को कितना टाइम कितना लग रहा है? तीन प्लस तीन, तीन तो भाई अंबू भी बड़ा होगा, यहाँ से आने में, यहाँ तक आने में तीन साल ये अंबू बड़ा होगा और प्रणेश तीन साल बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये मिलके कितने हो गए? छह साल हो गए। और दो यूनिट बराबर किसके पूछे हैं? अंबू की उम्र, अंबू की उम्र दो है ना, तो दो, दो से दो गुना छह कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। 12 वर्ष क्या है? ये रहा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं भाई, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, तब समझ अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, नेक्स्ट वाले में आ जाओ भाई। अब क्या कह रहे हैं? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक कुत्ता प्रत्येक शाम को अपने मालिक के द्वारा घर से बाहर ले जाया जाता है, घर से बाहर ले जाया जाता है, ठीक है ना, जिसके घर का दरवाजा पूर्व दिशा में, पूर्व, सबसे पहले मैं फिर से आपको बता देता हूँ डायरेक्शन का, बता देता हूँ, ये होता है भाई नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट। इसको क्या कहते हैं? पूर्व। इसको कहते हैं दक्षिण, इसको कहते हैं पश्चिम और इसको कहते हैं उत्तर। क्या कहते हैं? उत्तर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, अब इसी बेसिस पे मैं काम करवाना शुरू करूँगा, ठीक है ना। अब देखिए भाई, घर का दरवाजा है, कौन सी दिशा में उसका मुंह? घर के दरवाजे का मुंह किस दिशा में है? क्या कह रहा है? पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। घर के दरवाजे का मुंह कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में।
जिसके घर के दरवाजे का मुख कौन से दिशा में? पूर्व दिशा में है। वे डाइस कितना? 200 मीटर पश्चिम की दिशा में चलते। पूर्व दिशा में इसका घर का मुंह है, इस साइड में इसका मुंह है, ठीक है। और ये कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं? पश्चिम साइड में, इस साइड में चल रहे हैं घर के, मतलब अपोजिट में। 200 मीटर चले, 200 मीटर, और फिर उसके बाद साउथ की तरफ बढ़ जाते हैं। साउथ नीचे है, साउथ की तरफ आ जाते हैं। 200 मीटर यहाँ पे, 500 मीटर यहाँ पे चलते हैं, 500 मीटर कह रहे हैं, 500 मीटर चलते हैं। फिर उसके बाद घर पहुँचने के लिए अंत में वो किस दिशा में घूमेंगे? भाई हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि कौन से डायरेक्शन में जाए? इस डायरेक्शन में, तो इस वाले डायरेक्शन में ऐसे घर पहुँचना है ना, यहाँ पे घर पहुँचना है। तो ये क्या है, अगर ऐसे देखा जाए तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की दिशा में जाएंगे, उत्तर पूर्व की दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में कौन सा है? ये वाला है, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं भाई दोस्त, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ जाएगा भाई, सब मजा आ जाएगा। लो भाई इसको मल्टी कलर में समझाऊंगा मैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई कपिल है, कपिल 39 छात्रों की एक कक्षा में बिमल से सातवें रैंक आ गया, सात रैंक आ गए। अब देखते हैं भाई, सबसे पहले बना देते हैं, मान लो ये रैंकिंग वाला सिस्टम है, रैंकिंग टॉपिक से मान लो ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड है। अब देखो भाई कपिल को देखते हैं, सबसे पहले कपिल देखेंगे क्या है, कपिल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, कपिल है 39 छात्र हैं, टोटल कितने हैं? 39, बिमल से सात रैंक आगे हैं। बिमल से कितना रैंक आगे है? सात रैंक आगे हैं। और बिमल आखिरी से कौन से 17वें पे, आखिरी से मान लो 17वां यहाँ पे है, 17th, लास्ट से एंड से क्या है, इतना है, 17th है। और ये कौन सा है? विमल है। कौन है? विमल है, वी से विमल, ठीक है। कपिल के रैंक शुरुआती में कितना है? अब आखिरी से विमल से सात आगे है, विमल से सात आगे है, तो सात आगे जब हम करेंगे, और शुरुआत से पूछा इसका रैंकिंग, तो अब एक बात बताओ, 17 है उनके पास में, कितने हैं टोटल? अगर मैं यहाँ 17 बोलूं और 39 टोटल हैं, 39 टोटल हैं, तो इसके बाद इस साइड में, इस डायरेक्शन में, विमल के इस डायरेक्शन में कौन से, इधर इधर कितने बच गए होंगे? ये 17वें नंबर पे इधर बचे होंगे भाई 16, इधर टोटल कितने बचोंगे? 16। और इस साइड कितने बचोंगे? इस साइड में बचोंगे 22। इस साइड में टोटल कितने बचोंगे? 22 बचोंगे, ठीक है ना। अब 17 से, अब क्या कह रहा है कि भाई सात आगे है रैंकिंग आगे, 1 2 3 4 5 6 7 आगे। तो अगर इधर से मैं देखूंगा तो कितना हो जाएगा, 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24, कितना होगा? 24। कितना है? 24। 39 में से देखना है, 39 में से 24 माइनस कर दो, कितना आएगा? 39 में से 24 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 5 1 15। बट इसमें हम क्या करते हैं, एक प्लस करते हैं, टोटल में एक प्लस करके वो लेफ्ट से राइट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16। मैं बिना फॉर्मूले के लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसका फॉर्मूला नोट करना चाहते हो तो फॉर्मूला भी है भाई, क्या होता है, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन होता है। और हमें यहाँ पे क्या निकालना था, स्टार्टिंग से निकालना था, यही हो जाता है, टॉप और बॉटम हो जाते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है ना। अब इस साइड में सारे फॉर्मूले को शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हमें स्टार्टिंग से चाहिए था, तो अगर हमें स्टार्टिंग से चाहिए था तो स्टार्टिंग वाले क्या क्या होगा, टोटल प्लस वन
माइनस एस, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई। अपने दोस्त से गोपाल का परिचय कराते हुए सीता ने कहा, किसने कहा? सीता, सबसे पहले जो कहते ना उसी को पकड़ लो। सीता ने कहा, सीता ने कहा, क्या कहा भाई? अब यहाँ पे सीता ने जो स्टेटमेंट दिया वहां से मेरा पकड़ो, मेरे दादा के इकलौते पुत्र कौन है? मेरे दादा मतलब मेरे पिताजी, मेरे फादर, और उसके इकलौते पुत्र ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र मेरे पिताजी, ठीक है ना, मेरे पिताजी और मेरे ग्रैंडफादर उसके भाई के पिता हैं, किसके भाई के सीता गोपाल जो वो आदमी है ना, वही गोपाल जिसे गोपाल से परिचय कराते हैं, उसका भाई कौन है? गोपाल का भाई ये रहा, और उसके भाई के पिता मतलब गोपाल के पिता है, और गोपाल के तो सीता और गोपाल का क्या संबंध है? भाई बहन का, और ये भाई लगेगा इसका। सबसे पहले ध्यान से सुन लो, फिर से दोबारा बता रहा हूँ, मैं रेज करके दोबारा बता रहा हूँ, या वैसे ही बता देता हूँ मैं, ध्यान से सुन लो। लेट मी चेंज कलर। अब देख लो भाई, सीता ने परिचय कराया, सीता को मेंशन कर दिया। सीता क्या कह रही है? मेरे दादा के इकलौते पुत्र मेरे पिता होंगे, तो किससे परिचय करा रही है? गोपाल से परिचय करा, अपने दोस्त से गोपाल का परिचय कराते टाइम में, तो गोपाल के भाई। अब यहाँ पे देख लो, मेरे दादा के इकलौते पुत्र मेरे पिता हैं, और गोपाल के भाई के क्या हैं? पिता हैं, तो ये दोनों भाई बहन होंगे। गोपाल बहन भाई होगा किसका? सीता का होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगले वाले पे आ जाओ भाई, समझ में नहीं आई तो दोबारा एक बार वीडियो देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, इसको देखते हैं भाई, क्वेश्चन लेते हैं। अब क्या कह रहा है इसमें? दो संख्याएं इस प्रकार हैं जिनके वर्गों का योग कितना है? वर्ग कितना है? x plus y वर्गों का योग कितना? इतना है, ठीक है ना, 69 है। और उनका योग कितना है? उन संख्याओं का योग मतलब x और y है, उन संख्याओं का योग कितना है? x plus y equals to कितना है? 17 दे रखा है। अब देखो, मुझे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसा है, कि हमें पता है कि x plus y का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। अगर मैं 2xy को इस साइड में शिफ्ट कर दूंगा या इसी में पुट कर दो वैल्यू भाई, इतने की जगह पे 100 ये रख दूंगा, एक बार फिर से चेंज कर लेता हूँ कलर, इसकी जगह पे मैं क्या रखूंगा? ये रख दूंगा 169, और x plus y का मैं रख दूंगा 17 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2xy। अब देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289, और इसको इस साइड में लेके आ जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने पे कितना आएगा? इधर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, माइनस होने पे आएगा मेरे बच्चे 0002 120 आएगा, कितना आएगा? 120, और 2x है यहाँ पे, इस साइड में डिवाइड हो जाएगा xy, ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा? xy की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी। कितने हो जाएगी? 60 हो जाएगी। 60 कौन सी वैल्यू है? ये वाला आंसर है। बात समझ में आ रही है भाई? ये जो क्वेश्चन है ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन हमारे साथ में खेल रहा है। ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन क्या करता है? हमारे साथ में खेलता है, खेलने का है इसका। देखो, एक क्यूब है, अ क्यूब इज पेंटेड ब्लू ऑन
टू एडजेसेंट फेस, एडजेसेंट फेसेस पे करते हैं, वन ऑफ अपोजिट फेसेस ग्रीन, फेस ग्रीन ऑन टू अपोजिट फेसेस एंड पिंक ऑन रिमेनिंग फेस। और कितने हैं आइडेंटिकल क्यूब्स, कितने हैं, कितने क्यूब्स हैं, 64 हैं। तो अगर 64 क्यूब्स हैं, 64 क्यूब्स, इसको ए लेते हैं, ठीक है ना, तो कितने आ जाएंगे साइड, इसकी आर्म्स कितनी आएगी, आर्म्स आएगी 4, क्योंकि इसका क्यूब रूट निकल जाएगा तो 4 आएगा, 4 × 4 × 4 होगा, ठीक है ना। अगर मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसमें पूछा क्या है, हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली वन ब्लू फेस, कितने हैं, तो हमें ब्लू पे ध्यान देना और किसी पे ध्यान ही नहीं देना। तो 4 है इसमें, देखो भाई 1, 4 है तो कितने कट लगाने पड़ेंगे, 3 लगाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4। ये आइडेंटिकल नहीं बने, वैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार फिर से यार इरेज कर दूंगा, अच्छे से बना तुम्हें। लो भाई लो, आप भी याद रखोगे कैसे बना है क्यों, थोड़ा बनाने की कोशिश करूंगा मैं। 1, 2, 3, 3 कट लगे, 1, 2, 3। तो भाई इसमें एक बात बताऊं आपको, ये जो डबल डबल है ना, डबल डबल ये डबल हो जाएगा क्योंकि एडजेसेंट वाले में इसमें होगा। बस मेन चीज बताना है, 1, 2, 3 कितने होंगे, 4, 5, 6, मान लो ये कलर कर दिया हमने, किसे कर दिया ग्रीन से, 7, 8, क्यों ब्लू से पूछा, 8, 9, 10, 11, टोटल 12 कितने होंगे, 12 होंगे, 12, बस यही बताना था। और बाकी ब्लू पिंक ये जो है ना, हमें उलझा के रखने के लिए है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के नाम पे दब्बा है ये, कुछ नहीं है, ठीक है ना, हमें उलझा के रखा है ये। ये देखो भाई बहुत बढ़िया कोडिंग है, देखो सैल्यूट, सैल्यूट को क्या लिखा है, आर वाई आई क्यू ओ वाई। अगर इसमें 1 प्लस कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, 1 प्लस कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं, सॉरी 1 माइनस कर रहे हैं, और फिर इसमें भी, इसमें 2 माइनस कर रहे हैं, इसमें 3 माइनस करें, इसमें 4 माइनस करें, इसमें 5 माइनस करें, इसमें 6 माइनस करें, ठीक है ना, ठीक माइनस कर रहे हैं, समझ में आया। ऐसे ही सोल्जर में, सोल्जर में एस ओ एल डी आई ई आर सोल्जर, सोल्जर में अगर मैं 1 माइनस कर देता हूँ, 1 माइनस करूँगा तो उससे पहले, एस से पहले क्या होगा, आर होगा, ओ में से 2 माइनस कर देता हूँ तो ये 15 होता है, 15 से 3 तो 13 एम होगा, इसमें 3 माइनस करता हूँ एल 12 में से, 12 में से मैं माइनस करता हूँ 3 तो कितना हो जाएगा 9, 9 क्या क्या होगा आई, या 4, डी में से 4 माइनस करता हूँ डी कितना होता है 4, 4 में से माइनस करा तो 0 हो जाएगा, 0 को क्या लिखेंगे जेड, यही बस बात पकड़ने की थी। आई, आई में से मैं कितना माइनस करूंगा 5 माइनस करूंगा, आई 9 होता है, 9 में से 5 माइनस करोगे तो डी बच जाएगा, और ई, ई में से 6 तो ये कितना हो जाएगा 5, एक 5 हो जाएगा तो माइनस में जब जाएगा तो अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ 6 है, ए आ जाएगा, 5 माइनस हुआ तो ए आ जाएगा ना, 5 नंबर होता है तो ए आ गया, एक कम और होगा तो किस में चला जाएगा वाई, रिवर्स आने लग जाता है। और इसमें कितना कम करेंगे, 7 कम करेंगे, आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू होती है 18, और उसमें से एक कम कर देंगे तो उसमें से एक कम कर देंगे, वेट अ मिनट, उसमें से एक कम कर देंगे तो आ जाएगा कितना, आर में से 7 कम करेंगे 18 होता है तो इसका हो जाएगा के, कितना आ जाएगा के, ये कौन सा आंसर है इसका, ये वाला थर्ड वाला आंसर है, थर्ड वाला आंसर है। आगे बढ़ते हैं भाई, चौथे वाले में बहुत आसान है, सबसे पहले लेते हैं भाई, सबसे पहले इसमें आसान है सबसे, यहाँ इसकी कितनी वैल्यू है 3 है, इसकी वैल्यू कितनी 11 है, इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू है एक्स, एक्स कितनी होती है 24, और इसकी हमें नहीं पता अभी क्या निकलेगा, अपने आप पता चल जाएगा, ये 25 हो जाती है, ये किसके डब्ल्यू है तो 23 होगी,
और जी है जी सेवन, और सिक्स सिक्स एस है 19, और एट है एच, और टी होता है 10। अब देखो भाई, सबसे पहले यहाँ से क्या है, तीन से चार पे आया और 11 से 12 आया। अब देखो 24 से 25 है, तो अब एक बढ़ेगा 22 से क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए। 22 की क्या वैल्यू होगी, 22 होता है वी, वी फॉर वी, तो वी होता है वी की वैल्यू कौन सा, पहला ही आंसर है, कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई आगे में क्या है, प्रश्न दिया हुआ है नीचे, नीचे एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ें और सबसे उचित विकल्प चुनें। काव्या के कितने भाई हैं, काव्या पांच, काव्या के पिता के पांच बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, दो बहने हैं, दो बहने हैं, काव्या की दो बहने हैं, कितने भाई हैं, दोनों मिला के भाई डेटा को सफिशियंट, भाई पांच बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, टू सिस्टर्स हैं, तो भाई थ्री ब्रदर्स होंगे, ये दोनों मिलके भाई स्टेटमेंट को पूरा करें, तो कौन सा, भाई दोनों कथन मिलके आवश्यक डाटा को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ तक बात कंप्लीट होगी, आगे बढ़ते हैं भाई। जय माता दी, आहा मजा आ गया भाई, कौन सा क्वेश्चन आ गया, त्रिकोणों की संख्या बताइए, त्रिकोणों मतलब ट्रायंगल्स, त्रिकोणों मतलब कभी कभी त्रिभुज बोल देगा, कभी कभी त्रिकोण बोलेंगे, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स या त्रिभुज, त्रिभुजों की संख्या या त्रिकोणों की संख्या, याद रखना भाई, तभी हिंदी, हिंदी में खेलते हैं तुम्हारे साथ। देखो भाई, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, कितना है, 8 इंटू 2 कर दो तो क्या हो जाएगा, 16 ट्रायंगल्स, तो ये हो गए, और 1 2 और 3 कितने हो गए, 3 + 3 कर दो। अब इसके बाद मैं जो जो तुम्हें लाइन करके बताऊंगा वो समझ लेना भाई, थोड़ा लाइट कलर से करता हूँ भाई। एक ट्रायंगल और क्रिएट हुआ है, ये वाला जो मैं अब सेट करके बता रहा हूँ, ये वाला, ये हो गया, तो कितना हो गया, एक और हो गया प्लस एक, और एक इधर से ऐसे क्रिएट हो रहा है, प्लस टू, तो भाई एक एक दो दो, और ये पांच पांच, 21, 21 कौन से का आंसर है, 21 कौन से का आंसर है, 21 कौन से का आंसर है भाई, 21 फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। जय माता दी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, आहा बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, अब यहीं पे इसको सॉल्व करवाते हैं भाई, इधर इरेज कर देता हूँ इस पोर्शन को, अब इस क्वेश्चन को करवाने के लिए जगह चाहिए मुझे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो भाई, ले लो भाई को कलर ले लेते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख देते हैं, तो पहले भाई सबसे पहले क्या है, जेड है, जेड से जेड वाई ऐसे जाते जाते कितना हो जाएगा, बी और ए ऐसे आ रहा है, और टोटल कितने, 26 है। अब क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि लेफ्ट ओ है दाई तरफ से, ये इसको लेफ्ट एंड कहेंगे, लेफ्ट एंड कहेंगे, और ये राइट एंड है, राइट एंड, लेफ्ट एंड और राइट एंड से, राइट एंड से क्या कह रहा है, राइट एंड से ओ दसवें अक्षर, ओ के दाएं तरफ दसवां अक्षर क्या होगा, ओ के दाएं तरफ, ओ सबसे पहले इधर से देखो, ओ कौन से वाले पे होगा, अगर एक लाइन है ओ कौन से पे होगा, ओ होगा भाई राइट साइड में, क्योंकि ए बी सी डी होते हैं, तो ओ होगा 15th ट्रम पे, ओ होगा यहाँ पे, ओ 15th पे, और क्या कह रहा है, दाहिने साइड में दाएं तरफ दस अक्षर, दसवां अक्षर क्या होगा, दाहिने तरफ दसवां अक्षर क्या होगा, ओके दस, तो ये 15 है, 15 होता है वैसे इसका, और ये 15 होता है, तो इसको वैसे
इस साइड से लेफ्ट हैंड से क्या कहेंगे, कौन से नंबर पे, 12 पे होगा, क्योंकि टोटल मिलके 26 नहीं 27 ऐड करते हैं, क्योंकि एक ज्यादा हो जाता है। ये इस साइड से ऐसे है और इस साइड से इधर ये है, ठीक है। एक बार चेंज कर लेता हूँ कलर और फिर बताता हूँ, ज्यादा समझ में आता है इसलिए कलर चेंज करते हैं। अब इससे क्या कह रहा है कि भाई दसवां अक्षर क्या होगा, इससे दसवां अक्षर तो 11 में ये 10 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा इसमें 22वें नंबर पे, लेकिन टोटल कितना होता है 27 में से माइनस करते हैं, 27 माइनस 22 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड से पता होती है चीजें, क्योंकि राइट हैंड से पता नहीं होती। हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के में ऐसे पढ़ते हैं, हमें ऐसे कभी नहीं पढ़ते कि जेड वाई एक्स उल्टा, तो इसलिए 5 की क्या वैल्यू होती है, 5 की वैल्यू होती है ई। ई कौन सी वैल्यू है, ई इसमें ई कौन सी वैल्यू है देखते हैं भाई, ई है ये थर्ड ऑप्शन भाई। आगे बढ़ते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। प्रकाश ने दिवाकर से ज्यादा अंक प्राप्त किए, प्रकाश ने किसे, दिवाकर से ज्यादा अंक प्राप्त किए, राम ने दीपक के बराबर अंक प्राप्त किए, भाई राम है दीपक के बराबर, दीपक के बराबर अंक प्राप्त किए, रंगूल ने मुरली से कम अंक प्राप्त किए, रंगूल है मुरली से कम अंक प्राप्त किए, कौन से, रंगूल ने ठीक है। दिवाकर ने राम से ज्यादा अंक प्राप्त किए, दिवाकर ने राम से, तो भाई राम से ज्यादा करा, तो राम और दीपक बराबर हैं, इसको साथ में रखा। मुरली दीपक से कम अंक प्राप्त करे, दीपक ये है भाई, मुरली और रंगूल। अब क्या पूछ रहा है हमारा, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन तैयार, सबसे ज्यादा किसने अंक प्राप्त किए, प्रकाश ने प्राप्त किए, प्रकाश का ये आंसर है भाई। आगे बढ़ लेते हैं भाई, आहा मजेदार है प्रश्न। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करें, सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। एक समाचार पत्र में हमेशा क्या होता है, समाचार होते हैं बस, नमा होता है, जरूरी नहीं है माँ हो कहीं या ना हो, विज्ञापन जरूरी नहीं है, कार्यालय जरूरी नहीं है, समाचार तो होता है। इन सबसे संबंधित सबसे अप्रोप्रिएट ये आंसर होते तो सारी चीजें, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट क्या है, समाचार होता है, ठीक है भाई। डॉक्टर से ये संबंधित है तो बड़े से क्या संबंधित है, डॉक्टर के पास ये होता है तो बड़े के पास में आ रही होती है, बस कहानी खत्म। तो भाई यहाँ से रीजनिंग हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 20 क्वेश्चन देखा जाएगा, तो उस 20 में से भाई सिर्फ 3 क्वेश्चन जो मुश्किल होते हैं, जो थोड़े से लैंग्वेज वाले होते हैं, बाकी 17 क्वेश्चन फ्री के नंबर ले जा सकते हो। अगर इसमें से 20 में से 20 उठा लेते हो और एक सब्जेक्ट और 20 में से 20 उठा लेते हो तो और दूसरे सब्जेक्ट की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, 40 नंबर ऐसे मार दोगे और प्लस और सब थोड़ा एवरेज ही रख लोगे 10-10 नंबर सब में 3 सब्जेक्ट में, तो ये 70 नंबर आराम से हो जाएगा कॉमन पेपर में 70 नंबर हो जाएंगे, तो 70 इसमें और कम से कम 70 दूसरे वाले सब्जेक्ट स्पेशल में कर दिए तो 140 के आसपास तुम्हारे फिर टॉपर बनोगे, टॉपर इसमें रैंक आएगी आपकी, रैंक सिलेक्शन नहीं रैंक भी आएगी, टॉपर बनोगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच भाई, आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो अपने दोस्तों में फैला दो, इससे मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलेगी तो यार मैं भी आप सबके लिए अच्छे से कोशिश करूँगा कि भाई जो भी मुझे पता है और मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई सभी यूट्यूबर नहीं करवाया, कोई सभी यूट्यूबर या कोई सभी टीचर नहीं करवाया आज तक, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।